नशा तस्करों का नेक्सस तोड़ने के लिए गुरुग्राम पुलिस अब नशा तस्करों को आर्थिक रूप से कमजोर करने में जुट चुकी है। इसी कड़ी में नशा तस्करों की प्रॉपर्टी फ्रीज करने की कार्रवाई गुरुग्राम पुलिस ने शुरू कर दी है। गुरुग्राम से ये पहला मामला सामने आ रहा है जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी की करोड़ों रुपए की संपत्ति को फ्रीज किया जाएगा। ज्यादा जानकारी देते हुए एसीपी सदर कपिल अहलावत ने बताया कि बीते दिनों गुरुग्राम पुलिस ने सेक्टर 53 थाना एरिया में एक व्यक्ति को काबू किया था जिससे भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। पुलिस जांच के दौरान ये पता चला कि आरोपी के खाते में करोड़ों रुपए हैं। इसके अलावा आरोपी ने बिहार व गुरुग्राम सहित अन्य स्थानों पर भी अपनी पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी बनाई हुई है। यही नहीं, आरोपी के पास गाड़ी भी है। आरोपी की प्रॉपर्टी फ्रीज करने के संबंध में संबंधित विभाग के मुख्यालय कोलकाता को पत्र लिखा जा चुका है ताकि आरोपियों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जा सके और नशा तस्करी पर पाबंदी लगाई जा सके। आगे भी इसी तरह के अन्य मामलों में भी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ 17 नवंबर 2023 को सेक्टर 53 के इलाके में एक कमर्शियल क्वांटिटी में एक FIR हुई थी और जो प्रॉपर्टी उसमें आरोपी का नाम था रमाकांत ठाकुर, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हमने पता लगाया, जिसकी प्रॉपर्टी का कुल जो हमें पता लगी 1,28,73,500 रुपये की पता चली। और इसकी प्रॉपर्टी बिहार में भी थी, गुड़गांव में भी थी और इसके अकाउंट्स में भी पैसा था और इसकी गाड़ी भी थी, जिसके सारी टोटल मिलाकर कितनी क्वांटिटी बनी। और NDPS एक्ट में एक प्रोविज़न है, जब भी कमर्शियल क्वांटिटी में कोई हम उसमें FIR करते हैं तो उसकी हम प्रॉपर्टी भी फ्रीज करते हैं। गुड़गांव में हमने पहली बार ऐसा किया है, इसमें कमर्शियल क्वांटिटी में FIR होने के बाद हमने इसके बारे में पूरी तहकीकात की उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, और उसके बाद हमने फ्रीजिंग ऑर्डर बना करके SHO के माध्यम से कंप्लेंट अथॉरिटी को भेजा गया है कलकत्ता में, जिसमें कि अभी इसी कन्फर्मेशन के लिए ऑर्डर हमें प्राप्त होंगे। नहीं, इसकी प्रॉपर्टी जो बिहार में भी हमें मिली है वो भी हमने फ्रीजिंग ऑर्डर बना करके भेजी है कंप्लेंट अथॉरिटी। बिल्कुल, अब भी हमें NDPS एक्ट में और भी ऐसी कार्रवाई सामने लाएंगे, जो भी हमारे संज्ञान में ऐसी बातें आएंगी कमर्शियल क्वांटिटी में जो भी पर्चे होंगे, जो भी जिनकी भी हम प्रॉपर्टी फ्रीज कर सकते हैं जिन भी अपराधियों की, ताकि हम उनका आर्थिक नुकसान भी पहुँचा पाए। हम उन्हें जेल में भेजे ही भेजे ताकि आर्थिक नुकसान भी हम उन्हें पहुंचे। अभी आरोपी जो है बोंसी जेल में बंद है और उसके खिलाफ हम जो है चार्जशीट हमने दायर की है। गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।